इंदौर में आगामी मास्टर प्लान को लेकर एक बार फिर कलेक्टर ने तैयारियां शुरू करवाई है, जिसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया ही मुख्य आधार होगा। इंदौर का मास्टर प्लान 2041 के मान से तैयार किया जाना है। विधानसभा चुनाव के चलते इसकी प्रक्रिया बीते एक साल से ठप पड़ी थी, मगर अब कलेक्टर आशीष सिंह ने पुनः कवायद शुरू करवाई है। दरअसल आशीष सिंह इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं और अब जल्द ही जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर मास्टर प्लान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। कलेक्टर ने अभी तक मास्टर प्लान के संबंध में की गई कार्रवाई की समीक्षा भी की है। मेट्रोपॉलिटन एरिया में सावेर, उज्जैन, देवास, पीतमपुर, महू को जोड़ते के भी प्रस्ताव है। कलेक्टर सिंह ने बताया कि आगामी मास्टर प्लान के ड्राफ्ट का पब्लिकेशन किया जाना है, उससे पहले सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी और विचार विमर्श कर सुझाव लिए जाएंगे। देखिए, आगामी मास्टर प्लान के ड्राफ्ट का पब्लिकेशन होना है और उससे पहले सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उनके सुझाव प्राप्त किए जाएंगे, जिसमें कि बेस एफएआर कितना होना चाहिए, अलग अलग जो रेडियल रोड्स हैं उनके संबंध में उनके क्या सुझाव हैं, या अन्य लैंड यूजर्स से संबंधित क्या सुझाव हैं, उनसे चर्चा करी जाएगी। उसके आधार पर ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, फिर सभी जनता की आपत्तियों की सुनवाई होगी और उसके बाद उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। देखिए, इस संबंध में मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो एक नोटिफिकेशन हुआ था, इसके साथ साथ एक रीजनल डेवलपमेंट प्लान भी हमारी तैयार करने की योजना है। और जैसा मैंने बताया कि जो मास्टर प्लान से संबंधित जनप्रतिनिधियों की बैठक होगी, उसमें हम लोग इन प्लान्स को प्रस्तावित करेंगे और जो भी उस बैठक में अंतिम फैसला होगा उस पर काम करेंगे। थैंक यू।